नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल सेलेक्शन मेंटर में। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और शॉकिंग न्यूज़ जो है वो देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है खेल जगत के लिए, खासकर जो लोग यहाँ पर टेनिस वर्ल्ड से जुड़े होते हैं उनके लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। जो लोग दीवाने हैं टेनिस के उनके लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मैंने जो है ये लाइन लिखा हुआ है कि सेरेना विलियम्स को टेनिस की ये खबर सुनकर के काफ़ी शॉक हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ है विम्बलेडन 2020 में जिसको सुनकर के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं, और उन्होंने अपनी इस चीज़ को ट्विटर पर अपडेट भी किया है। सो दोस्तों चलिए इसी के बारे में हम लोग ज़रा देखते हैं। इसके पहले कि मैं अपना ये लेक्चर शुरू करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ये हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें फटाफट जो है आप इसमें रिप्लाई करेंगे, मैसेज करेंगे और आपको जो है मैसेज के द्वारा ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम पे जाना है और सिलेक्शन मेंटर नाम से सर्च करना है, आराम से आपको टेलीग्राम में जुड़ने के लिए जानकारी मिल जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है जितनी भी अपडेट्स हैं वो सभी जो है आपको यहाँ से मिलती रहेंगी, और कुछ सब्जेक्ट स्टडीज़ के जो PDF नोट्स वगैरह हैं वो भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। सो दोस्तों चलिए चलते हैं सीधा न्यूज़ की ओर कि आखिर ऐसा क्या है विम्बलेडन के साथ, आज ऐसा क्या हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हुआ। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि विम्बलेडन है क्या बेटा ये, ठीक है? सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि विम्बलेडन है क्या। देखिए विम्बलेडन को साधारण तौर से चैंपियनशिप द चैंपियनशिप विम्बलेडन के नाम से भी जाना जाता है या विम्बलेडन के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल सा इसका नाम विम्बलेडन है, टेनिस ओपन टेनिस के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत आज की नहीं है, काफ़ी साल पुरानी है। 1877 से 1877 से इसको खेला जाना भैया शुरू किया गया है 1877 से, और तब से लेकर के कंटिन्यूअस आज तक ये खेला ही जाता रहा है। और यही आज की एक न्यूज़ है कि अगर ये कंटिन्यूअस खेला जाता रहा है तो ऐसा क्या हुआ है जो आज इसमें डिसकंटिन्यूशन हुआ है। एक्चुअली छोटा सा मैं आपको बात बता दूँ कि ये जो है इसकी एक डिसकंटिन्यूशन जो है वो सामने आया है कि अभी ये गेम नहीं खेला जाएगा। तो ये इसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। लंदन में यूके की जो जगह है, लंदन यूके में अगर देखा जाए तो वहाँ पर लंदन जगह है और वहीं पर ये टेनिस कोर्ट है और उसी में ये खेला जाता है विम्बलेडन नाम का टेनिस चैम्पियनशिप। और यहाँ पर इस वर्ष का जो टेनिस है ये नहीं खेला जाएगा, ये अनाउंस किया गया। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। ये किन के लिए शॉकिंग न्यूज़ है? जो बहुत ही ज़्यादा टेनिस को प्रिय हैं, मतलब टेनिस को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग क्रिकेट के दीवाने होते हैं वैसे ही कुछ लोग टेनिस के भी दीवाने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते रहिए, जानते रहिए कि ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये न्यूज़ जो है आज दोपहर में आई है, आज ही दोपहर में ये न्यूज़ आई है AELTC के द्वारा। AELTC का फुल फॉर्म है ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब। तो ये लॉन टेनिस क्लब जो है उसके के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने दोपहर में जो है ये डिसीजन लिया, मीटिंग अर्जेंट बेसिस पे बुलाई गई इससे कि डिसीजन लिया जा सके। और ये डिसीजन लिया गया कि ये जो विम्बलेडन होने वाला था 29 तारीख को, ना 29th को, 29th ऑफ जून को जो ये होने वाला था विम्बलेडन, इसको कैंसिल कर दिया गया। और कैंसिल करने की वजह है कोविड 19। तो कोविड 19 की वजह से, कोरोना 19 की वजह से, आप लोगों को दोस्तों मालूम होगा कि शायद लंदन में अगर देखा जाए, यूके में अगर देखा जाए तो 1700 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं इसके तहत, इसके चलते, इसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया है। और जैसे ही ये खबर जो है ऑफिशियली खबर सेरेना विलियम्स के पास पहुंची तो सेरेना विलियम्स जो है काफ़ी शॉक्ड हो गई। यही वजह है कि ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ रही है उनके लिए। और जो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्विटर भी यहाँ पर पड़ा हुआ है विम्बलेडन की तरफ से, इसमें लिखा है इट इज़ अ वेरी ग्रेट रिग्रेट दैट द AELTC हैज़ टूडे डिसाइडेड द चैंपियनशिप फॉर 2020 विल बी कैंसल्ड ड्यू टू द पब्लिक हेल्थ कंसर्न लाइक द कोरोना वायरस एपिडेमिक। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये 134वां चैंपियनशिप जो है ये अब खेला जाएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन भी साथ ही साथ आपको इस ट्विटर से मिलती है। सो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि 134th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट विल बी इंस्टीड स्टेक्ड बिटवीन जून 28 टू जुलाई 11, 2021। तो 21 में 2021 में जून में ये फिर से खेला जाएगा, जून से जुलाई के बीच में ये ग्रैंड स्लैम खेला जाएगा, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता जो सेरेना विलियम्स है उनके लिए कितनी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ रही है ये, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये सब चीज़ें शॉकिंग इसलिए भी हो रही हैं, उसका एक और भी विशेष रीज़न है। और विशेष रीज़न ये दोस्तों कि अभी तक टेनिस का जो ये ग्रैंड स्लैम है ये अभी तक बहुत कम बार कह सकते हैं कि
कैंसिल हुआ है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से लेकर के 1918 के बीच हुआ था, और अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो 1939 से लेकर के 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर हुए थे। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि 15 से 18 तक के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में और 40 से लेकर के 45 तक के समय में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में टेनिस चैंपियनशिप विंबलडन की नहीं हुई थी और कोई भी नहीं हुई थी, और उसके बाद से लेकर के अब पहली बार ऐसा हुआ है जब ये टेनिस चैंपियनशिप नहीं हो रही है। सो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि टेनिस के चार ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, और वो चार ग्रैंड स्लैम्स जो है वो कब कब होते हैं, इसमें पहला है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस। और ऑस्ट्रेलियन जो है ये जनवरी में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है वो मई और जून के बीच में खेला जाता है, और विंबलडन जो है ये जून और जुलाई के बीच में होने वाला था जो कि कैंसिल हो गया, अब नहीं होगा। और यूएस के लिए भी देखा जा सकता है कि अगस्त से सितंबर के बीच में होता है, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो होगा, नहीं तो फिर इसे भी कैंसिल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे कि जो टेनिस लवर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में ये मैसेज पहुंच सके कि इस बार कोविड-19 की वजह से नहीं हो पा रहा है टेनिस टूर्नामेंट। और आप लोगों से उम्मीद रखूंगा मैं कि आप घर के अंदर रहेंगे। देखिए इतने बड़े बड़े चीज़ें जो है वो नहीं ऑर्गेनाइज हो रही हैं, आप अपने घर के अंदर रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, और अपने देश और अपने संस्कृति को सुरक्षित रहने में मदद करिए। थैंक यू एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।